अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो विजिट वीज़े के हवाले से लेकर आए हूँ। काफ़ी ज़रूरी वीडियो है, जो भाई भी विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो नए रूल्स आए हैं, जो नए फ़ाइन इशू हुए हैं, वो मैं सारी डिटेल आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी विजिट वीज़े के हवाले से वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो आप जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर आप जो इस टाइप के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं। और जो भाई भी विजिट वीज़े पर आते हैं, जारी से बात है बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो कि जॉब सर्च करने के लिए होती हैं। तो आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नज़र आ रही होगी, दुबई में लेटेस्ट जॉब हासिल करने के लिए आप जो इन वेबसाइट का भी विज़िट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दुबई में जो विजिट वीज़े हैं उनकी क्या डिटेल है। आपने देखे कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें बहुत से लोग बोल रहे हैं कि दुबई में विजिट वीज़े भी बैन हो चुके हैं। ऐसा पहली बात तो है कोई सीन नहीं है। अगर ठीक है 10 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 7 से 8 लोगों के वीज़े निकल रहे हैं। जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है उसकी रीज़न ये हो सकती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में इशू हो सकता है, उनकी क्वालिटी लो हो सकती है, या डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट होगा वो डिफरेंट हो सकता है, यानी इस तरह का कोई इशू हो सकता है। अदरवाइज़ इस तरह का कोई सीन नहीं है। वीज़े बिल्कुल कुछ डिले हो सकते हैं कुछ लोगों के, तो एक दिन के अंदर भी अप्रूव होकर आ रहे हैं। तो ऐसे मेरे भाई जिन लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है या हाल ही में उनका वीज़ा निकला है, तो वो काइंडली कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके लाजमी बताएँ ताकि लोगों को पता चले कि वाकई वीज़े निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अभी बात करते हैं विजिट वीज़े के हवाले से जो नया रूल आया है। जो भाई ऑलरेडी यूएई में हैं, स्पेशली उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर अभी आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है और आप जो है ओवरस्टे हो जाते हैं, तो आपको काफ़ी बड़ा फ़ाइन होने वाला है। पहले क्या सीन होता था कि मिसाल के तौर पर जब आपने जो है 2 मंथ का वीज़ा लिया है, तो 60 दिन से पहले पहले जो है आपने यूएई से एक्सिट होना होता था। अगर आप एक दिन भी ओवरस्टे कर लेते थे तो पहले दिन ज़्यादा फ़ाइन होता था, मोस्टली जो 100 दिरहम फ़ाइन हो जाता था, और उसके बाद पर डे के हिसाब से 25 दिरहम फ़ाइन होते थे। अभी क्या है कि अभी भी आपको इसी तरीके से तो फ़ाइन होगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप जो ओवर स्टे हो जाएंगे तो आपको 1000 दिरहम के अलावा 2500 दिरहम भी सेपरेट फ़ाइन होगा। तो यानी टोटल 3500 दिरहम फ़ाइन आपको मिलने वाला है, और जो ओवर स्टे का फ़ाइन होगा वो सेपरेट होगा। तो अभी आपको जो है काफ़ी हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगी इवन कि आप जो है एक दिन भी यहाँ पर ओवर स्टे हुए। तो जिन भाइयों को नहीं पता, तो उन दोस्तों को ठीक है मैं बताना चाहता था, अगर आप जो है ज़्यादा देर यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आप जो अपने विजिट वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि आपने ठीक है जल्द से जल्द जो है अपने वीज़े को एक्सटेंड करना है। अगर आप देखें ओवरस्टे हो जाते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान ठीक है माली सूरत में आपको तो होगा, इसका और बड़ा नुकसान ये है कि आप जो है फ्यूचर में जो GCC कंट्रीज़ हैं उनके लिए जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आप दोस्तों के लिए इशू हो सकता है। कुछ साल पहले आप दोस्तों को पता कि पाकिस्तान के काफ़ी सिटीज़ बैन हो चुके थे, जिसकी रीज़न यही होती थी कि कुछ लोग जो है ओवरस्टे हो जाते थे या फिर इल्लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते थे। तो यूएई की जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें नोटिस करती है कि इनका तल्लुक किन सिटी से है, तो सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद ठीक है जिन सिटी से ज़्यादा लोगों ने मिलते हैं तो उन सिटी को बैन कर दिया जाता है। ये हमारी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से यहाँ पर विजिट वीज़े या फिर वर्क परमिट वगैरह बैन हो जाते हैं। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से देखें सबको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों से अभी आपने बचना है, क्योंकि एक तो आपको बड़ा फ़ाइन होगा और फ्यूचर में आपको GCC जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना वहाँ पर एंटर होने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बाकी विजिट वीज़े बिल्कुल बैन नहीं हुए, थोड़े डिले हो रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों का वीज़ा निकला है या आपने अप्लाई किया है, तो आप जो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी अपडेट कीजिए ताकि दोस्तों को पता चले एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट सी वीडियो थी विजिट वीज़े के हवाले से। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपने पूछनी हो या किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।